नमस्ते आशा टेस्ट किचन में आज बनाएंगे आलू के कटलेट जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये आलू लिया है, आलू को उबाल के उसका छिलका निकाल उसको ऐसे ग्रेट करेंगे। उसको मैश नहीं करना है, उसको ऐसा ग्रेट करना है। चलिए अभी आलू ग्रेट हो गया है, इसमें डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च डालेंगे दो तीन बारीक कटी हुई, जीरा, अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, नमक डालेंगे स्वादानुसार। और एक चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है वो डालेंगे। आप इसमें मैदा या ब्रेड क्रम कुछ भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलिए अभी ये मिक्स हो गए अच्छे से। चलिए अभी कटलेट बना लेते हैं। हाथों को ऐसा थोड़ा सा तेल लगा के, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड या कोई भी शेप दे सकते हैं। पहले इसे लंबा करना है। अभी चलिए अभी सारे कटलेट बन चुके हैं। अभी कटलेट को एक एक करके ब्रेड क्रम में ऐसे कोटिंग करेंगे। ऐसे कोटिंग करेंगे। चलिए अभी तेल गरम हो चुका है, अभी कटलेट को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलिए अभी कटलेट गोल्डन हो चुके हैं, अभी निकाल लेते हैं। चलिए तैयार है अपनी आलू की कटलेट। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में बताना।